सब लोग कॉन्टैक्ट का लॉगिन का राउट बना लें और मेथड बना के चेक कर लें। टूट जाएगा वो कहां पे लगा वो गया। ठीक है मनीषा इनको दिखा देना दो मेथड ना लो मनीषा दिखा देना दो मेथड आश हाँ चल गए मेथड दिखा दो मनीषा को भी दो। ठीक है मनीषा दिखा दो मेथड दिखा दो मेथड कंट्रोलर जाकर दिखा दो फ्रंट कंट्रोल के अंदर मेथड ये दो मेथड सब देख लें चला लें कॉन्टैक्ट लॉगिन वाला दो मेथड ना लो उनके राउट ना लो ये खोल दो मेथड खोल दो दिख जाएगा अच्छे से फ्रंट एंड वाला और जो नोड जेएस है वो बैकएंड वाला पार्ट है। अब बैकएंड के अंदर हमें फ्रंट एंड वाला भी काम करना है मतलब एक्सप्रेस के अंदर आपको फ्रंट एंड वाला भी काम करना है ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा हमें टेम्परेट इंजन का यूज करना पड़ेगा है ना। हमें एक्सप्रेस टेम्परेट इंजन प्रोवाइड करता है हमें जो एक्सप्रेस है ना वो टेम्परेट इंजन प्रोवाइड करता है ठीक है जिसकी मदद से हम फ्रंट एंड वाला काम कर पाते हैं इसके अंदर। तो गाइड भी क्लिक करना गाइड पे गाइड देखो दिख रहा है टेम्परेट इंजन यहाँ पे कहीं और उस पर गेट स्टार्ट हो गया ना गेट स्टार्ट पे आ रहा है चलो इस पे कर लो इस पे कर लो चलो उस पे आना गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो गेट स्टार्टेड पे क्लिक एक मिनट को क्या मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमें सुनो सब लोग फिर से सुन लो अब हमें कौन सा काम करना है हमें अब अपनी टेम्पलेट सेट करनी है जो हमारी डिजाइन है ना डिजाइन हमारी सब सुन लो दो मिनट को अब हमारी जो डिजाइन है ना जो बनाई थी हमने एडमिशन पोर्टल की वो डिजाइन को हमें एक्सप्रेस के अंदर सेटअप करना है तो वो डिजाइन किसके अंदर सेट होगी व्यूज के अंदर सेट होगी एस्टीमेट वाला काम करना होगा। तो अब एक्सप्रेस है वो बैकएंड के अंदर फ्रंट एंड वाला काम कैसे करेंगे फ्रंट एंड के पेज कैसे बनेंगे है ना। तो उसके लिए हमें एक्सप्रेस टेम्पलेट इंजन प्रोवाइड करता है ना इस पे क्लिक करना गाइड पे यहाँ पे दिख रहा होगा देखो वो लिखा है यूजिंग टेम्पलेट इंजन अरे गाइड वाले पे करना है वो लिखा है यूजिंग टेम्पलेट इंजन ये इस पे क्लिक कर लो एक्सप्रेस हमें टेम्पलेट इंजन प्रोवाइड करता है फ्रंट एंड पे पढ़ लो क्या होता है टेम्पलेट इंजन आप पढ़ सकते हैं थ्योरी पढ़ लो फ्रंट एंड का काम करने के लिए एक्सप्रेस कुछ हमें टेम्पलेट इंजन देता है पढ़ सकते हैं इस पे जिसकी वजह से हम लोग अपना एचटीएमएल और सीएसएस का काम कर सकते हैं इसके अंदर तो दिखा रहा है देखो सम पॉपुलर टेम्पलेट इंजन वर्क एक्सप्रेस आर पग दिखा रहा है सम पॉपुलर टेम्पलेट इंजन पे क्लिक देखो ऊपर ही सम पॉपुलर टेम्पलेट इंजन ए लाइन वो लिखा है ईजेएस दिख रहा है सबको ईजेएस पग पीयूजी ईजेएस तो सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं ना फ्रंट एंड के लिए वो अपन यूज करते हैं ईजेएस को ठीक है एक होता है देखो पग अब हम पग क्यों नहीं यूज करते टेम्पलेट इंजन नीचे आओ क्योंकि अगर हम पग को यूज करेंगे नीचे आना तो देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा ऊपर देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा npm install pug करना पड़ेगा तो pug की वाली अपन egs करेंगे और फिर नीचे आओ फिर क्या करना पड़ेगा app.js पे भी लिखा है देखो app.set view engine हमें view engine सेट करना पड़ेगा जाके पहले app.js पे जाके लिखा है सब कुछ देखो लिखा है ना फिर अब फाइल किस नाम सेव होगी index.pug नाम से फाइल सेव होगी व्यूज के अंदर सब देखो लिखा है यहाँ पर
और फिर सिंटैक्स क्या होगा लिखने का, देखो ये सिंटैक्स होता है एचटीएमएल का, यहाँ पर इसमें वो लेस देन ग्रेटर देन वाले साइन नहीं होते हैं, तो बड़ी दिक्कत आएगी हमें सेटिंग करने में, इसमें एचटीएमएल के कोड सेट करने में, है ना। तो इसीलिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ईजीएस वाला। ईजीएस पे ऊपर जाकर क्लिक कर देना, इसी पे क्लिक कर दो, हम लोग ये वाला यूज करते हैं टेम्पलेट इंजन, क्लिक कर देना इसको फ्रंट एंड की कोडिंग करने के लिए। ये वाला देखो एम्बेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट्स, हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। नीचे आओ, ये इसके फीचर्स लिखे हैं, देखो नीचे कंट्रोल फॉलो विद। अब देखो यहाँ पे ये सिंटैक्स होता है ईजीएस का, लेस देन परसेंट परसेंट ग्रेटर देन, ठीक है। ये मैं आपको धीमे धीमे समझाता रहूंगा। तो हम कौन सा यूज करेंगे फ्रंट एंड पे काम करने के लिए, ईजीएस का, ठीक है। अब कॉपी कर लो और इंस्टॉल कर लो पैकेज को। सब लोग इंस्टॉल कर लें टर्मिनल पे। सब लोग टर्मिनल पे इंस्टॉल कर लें। यस, कोड के टर्मिनल पे आके इंस्टॉल कर लें, npm install ejs, ठीक है। बाकी लोग भी कर लें जल्दी से। एंटर तो दो, एंटर। एंटर तो एंटर। अब स्विच, चलो वेबसाइट पे आ जाओ, वेबसाइट पे आ जाओ, एक्सप्रेस की वेबसाइट, फिर से आ जाओ, बैक कर लो, बैक कर लो, बैक। हाँ, अब नीचे आओ, इसी में नीचे आ जाओ, वो कॉपी कर लो, वो लिखा ना एप डॉट सेट, ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और, हाँ यही app dot set view engine, हाँ ये। अब देखो app dot js पे आ जाओ, ये लाइन नंबर 6 पे पेस्ट कर लो। है ना, यहाँ पे ejs कर दो सब लोग। अब थोड़ा वहां पे आओ, एक्सप्रेस की वेबसाइट पे आओ दो मिनट के लिए, ये क्यों लगाया आपको मालूम पड़ जाएगा। आ जाओ, अब थोड़ा नीचे ऊपर चलना, बस बस बस, ये लिखा है देखो लाइन सब लोग यहाँ पे, यूज पर नेटवर्क स्लो चल रहा है, यूज द डायरेक्टरी वेयर द टेम्पलेट फाइल्स आर लोकली, लिखा है ना एप डॉट सेट व्यू, लिखा है ना व्यूज द डायरेक्टरी सब लोग, यही ये लाइन। अब देखो हमने पहली क्या कर लिया, हमने पहले अपने फोल्डर का नाम क्या रखा है, व्यूज रख दिया। अगर हम अपने फोल्डर का नाम व्यूज नहीं रखते, व्यू रखते, तो फिर अभी हम जो काम करने वाले हैं ना, व्यू एस टी में शो कराने वाला, तो फिर वो दिक्कत देता। अभी मैं दिखाऊंगा क्या दिक्कत देता, ठीक है। तो चलो आ जाओ, तो सेट कर लिया, लिख लो ये क्यों, इसका क्या यूज होता है, एस टी में सी एस एस के लिए होता है सेट करना, ये व्यू इंजन। लाइन नंबर 5 पे कमेंट लगा लो, गौरव लाइन नंबर 5 पे कमेंट लगा लो, अब व्यूज वाला जो फोल्डर आपको दिख रहा है सबको, आप सबको दिख रहा है व्यूज वाला फोल्डर, व्यूज वाला फोल्डर, उसके अंदर एक बनेगी फाइल, एचटीएमएल वाली फाइल बनेगी ना डिजाइनिंग करने के लिए। तो अब यहाँ पे जो आप फाइल सेव करोगे ना, वो किससे करोगे, डॉट ई जे एस से, है ना। आप जो एचटीएमएल की फाइल सेव करोगे ना, वो डॉट ई जे एस से करोगे, है ना। देखो होम डॉट ई जे एस, होम डॉट ई जे एस, ई जे स्मॉल में, स्मॉल में लिखना है, और वहां पर भी स्मॉल में लिखो एप डॉट जेएस में आके, ई जी एस स्मॉल में आएगा, और एप डॉट जेएस पे आओ वहां पर भी लिखो स्मॉल में, स्मॉल में
यहाँ पे स्मॉल को स्मॉल में ईजीएस, ओके। हम यहाँ पर टेम्परेड इंजन कौन सा यूज कर रहे हैं फ्रंट एंड के लिए, ईजीएस। अब इस ईजीएस से फायदा क्या है हमें, हम अपना एचटीएमएल का सिंटैक्स जो लिखते थे ना वही लिखेंगे सब कुछ। सिंटैक्स लिख लो एचटीएमएल का, सिर्फ दो हाँ एंटर दो। अब लिखो बॉडी के अंदर एच वन में होम पेज, होम पेज, सेव कर लो फाइल को, बाकी लोग भी लिख लें इतना। चलो अब फ्रंट कंट्रोलर पे आ जाओ। अरे डायरेक्ट नहीं चलती यहाँ पे, डायरेक्ट नहीं चलती फाइल, ठीक है। एमबीसी में व्यू वाला फाइल कभी डायरेक्ट ओपन नहीं होती, कोई क्वेश्चन आ गया ना आप डायरेक्ट मिल सकते हो उस ऐप से, नहीं मिल पाओगे ना। चलो अब यहाँ पे आओ, होम कर मेथड खोलो। अब जो लिखा है ना सेंड, यहाँ पे लिखो रेंडर। अब रेंडर होगा एचटीएमएल फाइल, रेंडर आर ई एन डी ई आर, और वहां लिख दो होम, पेज हटा दो बस। अब ये होम क्या है, जो आपने लिखा है ना व्यूज के अंदर होम डॉट ई जी एस, ये वही फाइल है। अब जब मैं लिखूंगा ब्राउजर पे लोकल होस्ट कोलन 3000, सबसे पहले वेब पे आएगा, वेब के बाद वो देखेगा कौन से कंट्रोलर पे जाना है, कौन से मेथड पे जाना है, फिर होम वाले मेथड पे आ जाएगा, फिर वो करेगा रेंडर। रेंडर किसको करेगा, ई जी एस वाली फाइल को, और हमारे कोड को ब्राउजर पे रन कर देगा एस टी एम एल को, ठीक है। जो यहाँ लिखा है ना होम, ये होम डॉट ई जी एस है। अब देखो मैंने यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है व्यूज स्लैश होम डॉट ई जी एस, ओके। ये हम काम एप डॉट जी एस में कर चुके हैं, एप डॉट जी एस पे आना, एप तो यहाँ पे अपन सेट किया था व्यू इंजन ई जी एस, तो हमें जरूरत नहीं लगती वहां पे लिखने की व्यूज, ठीक है ना। अब सेव करो फाइल को, अब जाके देखो लोकल होस्ट कोलन 3000, अब तुम्हारा एचटीएमएल वाली फाइल रन हो जाएगी। देखो सब चल गया, सारे लोग एचटीएमएल फाइल चल गई, बाकी लोग चला गए। अब कोड दिखा दो, सारे पेज कर लो, टीम वाला, अबाउट वाला, कॉन्टेक्ट वाला, सारे पेज करो। इतना फोल्डर दिखाओ अपना, इस फोल्डर को ओपन करो, नहीं नहीं वैसे ही सिंपल ओपन कर लो, वैसे ही ओपन कर लो। हाँ सब लोग देखो, ये बोला था मैंने लॉगिन वाला पेज होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, डैशबोर्ड का पेज होना चाहिए, और फिर और बोला था कि सीएसएस वाला फोल्डर होना चाहिए, इमेज वाला फोल्डर होना चाहिए, याद होगा सबको, सबका इसी तरीके सेटअप हो रखा है। बोलो चलो, अब सबसे पहले क्या करना है वो सब सुने, सबसे पहले वो सब सुन लो। चलो जो आपने डिजाइन बनाई है ना एडमिशन पोर्टल की, उस फोल्डर को आप लोग ओपन कर लें। उसके अंदर देखो दिख रहा होगा यहाँ पे इसके चार फोल्डर हैं, रुको रुको, अरे वहाँ पर नहीं, वहाँ कुछ नहीं करना है आपको, दिख रहा होगा इसके चार फोल्डर आपको दिख रहे हैं, एक सी एस एस, एक फॉन्ट ओसम, एक इमेज, दिख रहे हैं तीन फोल्डर इसके, सी एस एस, फॉन्ट ओसम और इमेज, ऐसे आपके हो सकते हैं, आपके दो होंगे, ठीक है। तो ये फोल्डर कॉपी कर लो, सी एस एस, इमेज, फॉन्ट ओसम, ये तीनों फोल्डर कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया। चलो अब वो वाला फोल्डर कहाँ है, एक्सप्रेस वाला फोल्डर दिखाओ डेस्कटॉप पे, हाँ इसको ओपन करो, हाँ एडमिशन पोर्टल में डालो, चलो पब्लिक में आ जाओ, सब लोग देख सकते हैं, पब्लिक में आके पेस्ट कर दो फोल्डर वाले।
आप लोगों को डिजाइनिंग वाले जो फोल्डर है ना, सीएसएस इमेज वाले फोल्डर, वो कहाँ पेस्ट करने हैं? अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके, पब्लिक वाले बनवाया था फोल्डर, वहां जाके वो फोल्डर पेस्ट कर लो, सीएसएस और इमेज वाला। समझ में आ गया? इतना काम सब कर लें। रखा है इतना काम? जाने जाने दो, चलने दो। अब सब लोग देखो, अब आ जाओ। अब वो फाइल दिखाना, अपना फोल्डर दिखाना, जाने वाला इसका लॉगिन वाला पेज खोलो। कहाँ है लॉगिन वाला पेज? होगा ना। हाँ, इसको ओपन करो। हाँ, ऐसे ओपन कर लो, ब्राउजर को ओपन कर लो। लॉगिन वाला पेज सब लोग ब्राउजर को ओपन कर लें। लॉगिन वाला पेज सब लोग ब्राउजर को ओपन कर लो। सब लोग देखो, ये लॉग इन वाला पेज सबको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे इसकी। आप लोगों ने अपने अपने लॉग इन पेज ओपन कर लिए? सब ने अपने लॉग इन पेज ओपन कर लिए होंगे। चलो अब क्या करना है, सब सुने, कंट्रोल यू कर लो। कंट्रोल यू तो उससे पूरा कोड आ जाएगा यहाँ पे। जैसे हम कंट्रोल यू करेंगे, न्यू टैब ओपन होगा, वहां पर पूरा कोड मिल जाएगा मुझे इसका। देखो मिल गया ये पूरा कोड, सबको दिख रहा है? तो कंट्रोल ए कर लो और कंट्रोल सी कर लो। कंट्रोल ए और कंट्रोल सी सब लोग, सबसे पहले कंट्रोल यू कर लो, उसके बाद कंट्रोल ए और कंट्रोल टू। कर लिए सबने? चलो अब फिर आ जाओ, अब उसमें जाकर पेस्ट कर दो, लॉग इन डॉट ई जी एस में जाके, इसको लॉग इन डॉट ई जी एस में जाके पेस्ट कर दो। लॉग इन वाला कोड उठा के लॉग इन डॉट ई जी एस में जाके पेस्ट कर दें। ये डालो पूरा, ये वाला लॉग इन वाला कोड वहां से कॉपी करके लॉग इन डॉट ई जी एस में जाके पेस्ट कर दो सब लोग, और फाइल को सेव कर लो। फाइल सेव कर दो। अब जाके चेक करो वेबसाइट पे लॉग इन फॉर्म आया कि नहीं आया। थोड़ा जूमिंग कम करो, जूमिंग अपनी स्क्रीन की, इसकी थोड़ी जूमिंग कम करो, 100% करो, 100% अकेला 100% करो। बस ठीक है। हाँ सब देख लें इस तरीके से आ रहा है इसका, क्योंकि अभी इसका फोल्डर पेस्ट नहीं हुआ ना, सीएसएस इमेज वाला। बाकी लोगों ने पेस्ट कर लिया?
रिस्पॉन्स दे दो कुछ ना कुछ। हेलो हेलो, क्या डिजाइन रेडी नहीं है आप लोगों की? हो गया ना? अब सेम ऐसी रजिस्ट्रेशन वाला कोड ओपन करो, कंट्रोल यू करो और कंट्रोल बी और पेस्ट कर लो उठा के। ठीक है, क्या करोगे? रजिस्ट्रेशन वाला भी कोड ऐसी करो, ब्राउजर ओपन करो, कंट्रोल यू करो, फिर कंट्रोल ए कंट्रोल बी करके पेस्ट कर लो जाके। जैसे मैं लॉगिन वाला काम किया ना, ऐसे सेम काम रजिस्ट्रेशन कर लो। ऐसे सेम काम कर लो रजिस्ट्रेशन का भी। हाँ लोग सेम काम रजिस्ट्रेशन का कर लो इस तरीके से। कर लिए रजिस्ट्रेशन वाला सबने। रजिस्ट्रेशन का मेथड बनेगा, सब लोग रजिस्ट्रेशन का मेथड बना लेना और राउट बना लेना, और रजिस्ट्रेशन डॉट ईजीएस नाम की एक फाइल बनेगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डॉट ईजीएस नाम की एक फाइल बनेगी, उसका एक मेथड बनेगा, एक राउट बनेगा, जो जो बना रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं गौर बना रहा है। इनको मेथड दिखा देना गौरव, रजिस्ट्रेशन नाम का एक मेथड बनेगा, वो दिखा दो, देख लो सब लोग यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन नाम का एक मेथड बनेगा और एक फाइल बनेगी जीएस नाम से, राउट बनेगा, उस पे आप अपना कोड पेस्ट कर लो, व्यू वाला एचटीएमएल वाला कोड पेस्ट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, वो मैं करा दूंगा, वो मैं करा, सीएसएस की छोड़ दो अभी, अभी तो बस तुम ये सेट कर लो, लॉगिन कर लो, रजिस्ट्रेशन वाला पेज पेस्ट कर लो, सीएसएस इमेज वो सब मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, पर इतना काम कर लो। इनको मेथड दिखा दो रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन वाले पेज सब चालू कर लो अपने अपने, और कोई डाउट तो पूछो।
कर लिया।